सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल बुलेट राइड विद गोल्डी। सो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार, आज हम लोग जाने वाले हैं डलहौजी। मेरे को पता है कि बहुत लोगों की ये फेवरेट जगह है और बहुत लोग यहाँ जा चुके हैं और बहुत जाना भी चाहते हैं। तो जो लोग गए हैं भाई, उनकी हम मेमोरीज ताज़ा कर देंगे, और जो नहीं गए हैं वो लोग एक बार रास्ता देख लीजिए और हम लोग साइट्स अच्छे अच्छे बता देंगे हम कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ आप जा सकते हो। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर इन फ्यूचर आप वहाँ जाते हो। तो फ़िलहाल अभी हम लोग हैं लुधियाना में और टाइम बज चुके हैं 12। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और यहाँ से लुधियाना से जो डलहौजी पड़ता है वो पड़ता है नियर अबाउट 250-260 किलोमीटर, मतलब 250 से लेके 260 किलोमीटर के तकरीबन है। तो इतना ही मैप ने बताया, बाकी रास्ते का जो रहेगा भाई, पठानकोट वाले रास्ते से हम लोग जाएंगे। तो जलंधर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि 40 मिनट लगे होंगे हमें, 40-45 मिनट, बिकॉज ब्रेक नहीं लिया और एक ही स्पीड में आए हैं। अभी जलंधर में आके भीड़ मिल रही है, बस आगे से एक कट आता है जो पठानकोट की तरफ जाता है दसुआ मकेरियाँ से होते हुए। तो बस हमें अभी वो राइट कट लेना है और फिर अपना निकल जाना है अपना डलहौजी की तरफ। तो ये भाई साहब दर्शन कर लो पंजाब के खेतों के। यार हुआ सीन ऐसा कि हम लोगों ने जलंधर से लेना था राइट और हमें पता नहीं लगा, मैप पे भी ध्यान नहीं दिया, तो हम निकल गए थोड़ा आगे और फिर आगे जाके जब मैप में देखा तो पीछे बता रहा था। तो फिर हमने थोड़ा यू टर्न लिया वहाँ से और अभी ये शॉर्टकट रास्ता बता रहा है दसुआ तक के लिए मैप में। तो अभी मैप आगे लगाया हुआ है और जा रहे हैं दसुआ फिर यहाँ से, खेतों के मज़े लेते लेते। और आप भी मज़े लीजिए पंजाब दे पिंडा दे। और ये रोड देखो यार, कितना मस्त लग रहा है। पेड़ देखो, हरे हरे पेड़ तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार होता है कि ऐसे पेड़ भी लेक रोड को बहुत सही व्यू देते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो। सो फाइनली यार नेशनल हाईवे पे हम लोग आ ही गए। लंबा पड़ा लेकिन मैं बोलूँगा कि ये भी अच्छा टाइम था, इसी बहाने हम लोगों को पंजाब दे पिंड कहवाँगा, पंजाब दे पिंड देखने को मिल गए। तो यार हमने सोचा था कि ब्रेक हम लोग लेंगे पठानकोट जाके, बट मैं बताना भूल गया आप लोगों के, साथ में मेरे मोनिका है। तो लाइक उसका अगर आप पुराने व्लॉग देखते हो तो मैंने बताया था कि इसको भाई साहब बहुत भूख लगती है और ये नहीं रह सकती है, बोलेगी रुको रुको रुको। सो गाइस, स्वागत है आपका पठानकोट में। यहाँ से जम्मू 110 है, अमृतसर 110, श्रीनगर 409। तो ये भाई साहब लिखा हुआ है डलहौजी 80 किलोमीटर। किधर चला रहा भाई, 80 किलोमीटर डलहौजी लिखा हुआ है। अभी हमें बस 80 किलोमीटर जाना है, बट पहाड़ों में 80 किलोमीटर बस नहीं होता, आपको पता ही है, बिकॉज स्पीड कम हो जाती है, उतना भगा नहीं पाते 80-90 पे, तो 30-40 रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 60। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है आगे हमें। तो अभी यहाँ से जो डलहौजी है वो बचता है अपना 63 किलोमीटर और पठानकोट से 80 था, तो ऑलमोस्ट हम लोग 17-18 किलोमीटर आ चुके हैं। और ये भाई मोड़ा से जो मोड़ आ रहे हैं, इनसे आप पहचान नहीं सकते हो कि पहाड़ शुरू हो चुके हैं, चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी है। और रास्ते में रुके थे हम लोग, देख लिया था मैडम को खाने थे बर्गर, कह रही मैंने बर्गर खाना है, तो इसको बर्गर खिलाया लेकिन इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अभी बोल रही है कि मेरे को आगे कुछ खिलाओ, तो इसका सीन यही रहता है, इसको लेके जाना मतलब इसको रास्ते में खिलाते रहो, इसके लिए कहीं घूमने जाने का मतलब है भाई खाना बस। ओह माय गॉड,
पता नहीं आपको इसमें विजिबल हो रहा होगा कि नहीं, या भाई यहाँ से वाइट पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं स्नो वाले। अभी ज़्यादा दूर आए भी नहीं है हम, एक ही पहाड़ खाली चढ़े थे, अभी उतरना शुरू किया है। तो सामने से नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, और यहाँ से बहुत बढ़िया रोड की शुरुआत हो चुकी है। ये देख लो भाई, खड्डे, बड़े बड़े खड्डे पहाड़ों में, रोड पे देख लो पहाड़ों जितने खड्डे हैं। तो यहाँ से थोड़ा बच के ही चलाना पड़ेगा और आराम से चलाना पड़ेगा। देखो गाड़ियाँ कितनी स्लो आ रही हैं, ये देखो भाई सब गड्ढे, पानी भरा हुआ है। तो अभी बचा है 35 किलोमीटर एंड वी हैव थर्ड ब्रेक ऑफ टी, चाय पीछे मिली नहीं थी तो यहाँ पे चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कहाँ चली गई मैडम, इधर बैठ गई। चाय पियोगे कि खाओगे अभी कुछ? सिर्फ चाय? देखा ऐसे हो सकता तो कुछ मांगे ना खाने के लिए। कौन सा वाला, बूंदी वाला? चल ठीक है खिलाते हैं। और ये नज़ारा चेक करो भाई साहब आप एक बार, रोड कितने मस्त होते यार हिमाचल में। लाइक कहीं और जाओ तो मतलब इतने बढ़िया रोड नहीं मिलते, हिमाचल में बहुत मस्त रोड मिलते हैं। और नज़ारा जैसे आगे जाते जाएंगे नज़ारा और बढ़िया होता जाएगा, पहाड़ ऊंचे होते जा रहे हैं और जो चांदी वाले पहाड़ है वो और पास आते जा रहे हैं। तो मज़े ही मज़े हैं। अभी जो अपना डलहौजी है वो 30 बचा है, 30 किलोमीटर, और मुझे लगता है जब तक हम पहुंचेंगे अंधेरा हो ही जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे मोड़ इतने ज़्यादा है कि स्पीड 30-40 से ऊपर जा ही नहीं रही है। और ये देखो यार सामने, लाइक ये है खूबसूरती हिमाचल की, मज़ा ही आ जाता है यार। गाड़ी में भी मैं आ चुका हूँ, मतलब ये बोल लो कि लास्ट 3 मंथ में मेरे 3 चक्कर लगे हैं कांगड़ा साइड के, इस साइड के नहीं, इस साइड में लास्ट टाइम आया था मणि महेश जब लास्ट ईयर यात्रा चल रही थी, तो ये मेरा सेकेंड टाइम है इस रूट पर। बट बाइक कार आने में और बाइक पर आने पर भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाइक पे आप इंजॉय पूरा कर पाते हो यार व्यूज़ को, और कार में लाइक अंदर दबे से रह जाते हैं हम, तो कुछ कुछ देख ही नहीं पाते। बट बाइक पे सब ओपन रहता है, सब नज़ारे दिखते हैं, आप ताज़ी हवा को फील करते हो, एक वाइब ही डिफरेंट होता है यार, मज़ा आ जाता है। तो तभी मैं कार से ज़्यादा बाइक पे ही जाना पसंद करता हूँ। बहुत टाइम से लाइक मेरी राइड नहीं निकली थी जब से मैंने ये बुलेट रेडी करवाया है। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग देखते हो तो आपको इसका व्यू टोटली डिफरेंट लग रहा होगा, जो आगे का व्यू आ रहा है। विंडशील्ड डलवाई है मैंने, ये हैंडल नया डलाया था। तो लाइक इसके बाद अभी मैंने एक भी लॉन्ग राइड नहीं निकाली थी, लोकल ट्रिप्स पे ही चला रहा था। तो पता नहीं था कि क्या रिस्पांस रहेगा, लेकिन बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। और यार सामने आसमान में ना आप एक बार सूर्य देवता को देखो, पूरा बादलों के बीच घिरे हुए, और वो सामने पहाड़ों का नज़ारा है। मतलब सूर्य देवता का क्या क्या व्यू आ रहा है यार, वो देखो बादलों के बीच में से थोड़ी सी लाइट आ रही है और वो उस तरफ दिख रहे हैं वाइट पहाड़, थोड़ा पीछे हैं, आगे थोड़े ग्रीन पहाड़ है उसके पीछे छुपे हुए हैं। बट कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन पहाड़ों को ढूंढ ही लेंगे, अपने लिए भी और आपके लिए भी। और ये ऐसे पहाड़ ना, लाइक ऐसे व्यू जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हो तब आपको, जब ऋषिकेश से क्रॉस करते तब आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज अगर आप देख पा रहे हो ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है बहुत बड़ा सा, अभी हम लोग यहाँ जाने वाले हैं, लाइक कोई शॉर्टकट लेके या कोई और रास्ते से नहीं, बाइक से ही जाने वाले हैं। ये जो रोड है ये आगे से घूम के उसके बाद वो पहाड़ पर चढ़ने वाला है और वो वहाँ से रास्ता जा रहा है। तो
आगे का दिखाता रहता हूँ मैं। बहुत मज़ेदार होने वाला यह सफ़र। तो जो पहाड़ मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा रहा था, फाइनली हम उस तरफ आ चुके हैं। और जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था कि उस पहाड़ पे हम लोग जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे थोड़ा व्यू आने पर। बिकॉज रोड सामने से दिख रहा था कि घूम के इसी पहाड़ पे आने वाला है, और वो सामने पहाड़ है जहाँ से हम लोग आए हैं। अभी आगे से और क्लियर दिखाता हूँ मैं। लाइक वो अभी आपको दिख रहा होगा दूसरी साइड का पहाड़, तो वो उस पहाड़ से हम लोग इस पहाड़ पे आए हैं पूरा ऐसे राउंड लेके। और वो भी चढ़ाई थी, वो पहाड़ में भी छोटा था। अब इस पे हम लोग और चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। ये देखो टोटली चढ़ाई चढ़ाई है, तब से चढ़ाई ही कर रहे हैं। और ये देखो यार एक बार सूर्य का नज़ारा, साथ में ही छुप गया भाई। जैसे ही दिखाने लगता हूँ साथ में छुप जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो, अभी आएगा। तो पेश है आपके सामने फिर से, ये देखो सूर्यदेव। सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ उनका प्रकाश दिखाई दे रहा है बादलों में से, जो कि एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। क्यों, बढ़िया है ना हिंदी। तो गाइस अभी मैं आपको नज़ारे की बात कर रहा था कि लाइक कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है सूर्य देवता का, और वो मैं दिखाता हूँ फिलहाल। ये देखो यार मज़े, कितनी सही लोकेशन है ना, मज़ा आ जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी सूर्य देव। फिलहाल मोनिका मैडम फोटोग्राफी कर रही है। ये देखो सामने देखो, जो मैं आपको बात कर रहा था, अगर आप देख पा रहे हो तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसे नीचे की तरफ जा रही है, और सामने की तरफ एक डैम भी दिख रही है हमें। और ये सारे पहाड़ नीचे, अभी हम लोग इतनी हाइट पे आ चुके हैं कि सारे पहाड़ नीचे नीचे ही दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा होगा, बट सही में यार आंखों से देखने वाला नज़ारा है। और ये आपको मैं एक नैरो व्यू से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो सुपर व्यू था, उसमें थोड़ा ज़्यादा ही वाइड एंगल हो जाता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल एंगल है। इससे देखो कितना सही नज़ारा है सूर्य देवता का, और पहाड़ियों का नज़ारा देखो नीचे। हाँ जी मैडम, फोटोग्राफी चल रही है। तो ठीक है, फोटोग्राफी अपनी हो चुकी है पूरी, अभी हम निकलते आगे की तरफ। बस थोड़ा ही बचा, और धूप इतनी देर से ही नहीं दिख रही थी गाइस, अभी धूप निकल आई है, पर बहुत बढ़िया वाली धूप निकली है। तो ठीक है फिर निकलते हैं और आगे का आपको दिखाते हैं। फिलहाल तब तक एक दो फोटोस ले लेते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बनी खेत में। आपको डलोजी उधर पक्का भैया, डलोजी थैंक यू भैया, मैंने बोर्ड नहीं देखा था। तो बनी खेत से आपको टर्न लेना है राइट की तरफ, अगर आप लेफ्ट चले जाते हो तो वो जाता है चंबा की ओर, भरमौर की ओर, और ये राइट जाता है डलोजी, और थोड़ा ही ऊपर है डलोजी, और मतलब 7 था अभी 6 होगा यहाँ से। तो गाइस जैसे ही आप बनी खेत से ऊपर लेते हो डलोजी की तरफ, ये जो रोड है पूरा प्रॉपर डलोजी तक, रास्ते में आपको सारे होटल ही होटल देखने को मिलेंगे। तो जस्ट अभी 7-8 होटल निकले हैं, और आगे मेन डलोजी में हम लोग लेंगे रूम, वहाँ देखते हैं क्या सीन है और कैसा रूम मिलता है, आपको दिखाते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका डलहौजी में। डलहौजी हम लोग फाइनल पहुंच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी यार, लाइक जैसा आप मैकलो में जाते हो और ऊपर चढ़ते हैं हम लोग धर्मशाला से, तो वैसा ही कुछ सीन था, चढ़ाई थी। और ये भीड़ देखो, पूरी टैक्सियां लगी हैं। बस अभी हमें रूम देखना है, फिर बात करता हूँ मैं रूम लेने के बाद। तो जी फाइनली रूम भी हमें मिल गया, और ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। जैसे ही हम लोग डलहौजी में पहुँचे थे तो अपने आप ही लोग आ जाते आपसे पूछने के लिए, तो जो हमें रेट कन्वीनियंट लगा, मतलब जो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप ले सकते हो, हमें भी जो कन्वीनियंट लगा हमने ले लिया, और रूम भी बढ़िया है ये देख लो। बस हमने हालत आके बुरी कर दी है इसकी,
वैसे रूम बहुत बढ़िया है। अंकल स्पेशल बोल के गया कि ये चलती है, बिकॉज़ ज़्यादातर रूम्स में नहीं चलती। और ये वॉशरूम है सारा, मतलब प्रॉपर बढ़िया वाला सीन है यहाँ पे। रूम अच्छे हैं और आपको बहुत सही रेट में मिल जाएंगे, और इसके चार्जेस 1000 है। और इससे आप कम भी लेना चाहोगे तो आपको 700 में, और ऊपर लेना चाहोगे तो 15,000 तक। लाइक इतने रूम है, वो बाकी आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का रूम और किस मतलब किस रेंज में चाहते हो, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूम मैं होटल दिखाता हूँ आपको, रूम दिखा दिया। फिलहाल लेके चलता हूँ छत पे, बिकॉज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बर्फ़ पड़ के हटी है थोड़े दिन पहले ही। ये देखो बर्फ़, तो 3-4 दिन पहले ही बोल रहे हैं वो, अभी स्नो पड़ी थी यहाँ पे और अभी तक देख लो जमी हुई है। क्या हुआ ये? मोनिका मैडम कुछ और भी सर्च कर रही है। हाँ जी मैडम, ये भाई छत का नज़ारा, टेरेस पे घूम रहे हम लोग होटल के। यहाँ से डलहौजी दिख रहा है पूरा। और अभी कल सुबह ही पता लगेगा हमें कहाँ जाना है, बिकॉज़ हमने तो सोचा ही है डाइनकुंड जाना, मतलब कौन से रास्ते से जाना है वो सुबह पता लगेगा। तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा हमारा व्लॉग। और कल का दिन भाई बहुत बढ़िया होने वाला है। कल हम लोग करने वाले हैं एक तो खजियार और एक डायनकुंड, और टाइम बचा तो एक दो जगह और है वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बट वो डिपेंड करता है कि अदर प्लेसेस पे कितना टाइम लगता है। तो ठीक है, ऐसे ही बने रहिए हमारे पेज पे कल तक, और ये वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल मिलते हैं एक फ्रेश वाइब के साथ, न्यू प्लेस के साथ और मज़ेदार व्यूज़ के साथ। सो स्टे कनेक्टेड गाइस, सी यू ऑल।